छापेमारी की गई है, क्या मामला है पूरा? थाना भवन से कई बार शिकायतें आ रही हैं और पत्रकारों के माध्यम से शिकायतें मिली हैं। कई न्यूज़पेपर में भी शिकायतें छपी हैं कि भी यहाँ कुछ नशे का कारोबार कुछ दवा दुकानदार कर रहे हैं, और उसी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया गया कि थाना भवन में कुछ लोग इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार मैं आज यहाँ थाना भवन में निरीक्षण के लिए आया हूँ, और ये अली मेडिकल स्टोर है, इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। सर, एक शिकायत ये भी मिली है कि जैसे आप आते हैं तो कुछ दुकानों के शटर बंद हो जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? दुकान तो खुली है, बंद तो नहीं हुई। सर, जांच में क्या तथ्य सामने? दुकानें और भी खुली हैं, और जो बंद हो जाएगा उसको नोटिस देंगे, उसको दुकान खुलवाएंगे, उसका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, कैंसिल करेंगे। सर, अब यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे दुकान की खुली है और इनकी जाँच कर रहा हूँ। मौके पर रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट सदानंद राम वो उपस्थित नहीं है, और दुकान की जो स्वामिनी है तरन्नुम जहान वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है। उन दोनों की अनुपस्थिति में ये खड़े हैं सामने आपके सरदार अली। ये दवाएं बेच रहे हैं, लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि ना तो इनके पास डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है, ये डॉक्टरी कर रहे हैं पूरी तरीके से। सर, पूर्व में भी एक वीडियो वायरल हुआ था ड्रिप लगाते हुए। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर एक ये रखा है स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप है। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टेथोस्कोप है, इससे मरीजों को ये चेक कर रहे हैं। ये यहाँ पर बीपी मशीन है, इस बीपी मशीन से लोगों का ये बीपी चेक कर रहे हैं, और ये कुछ इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन इनके द्वारा लगाए गए हैं मरीजों को। ये देखिए, इंजेक्शन खा लिए हैं, तो ये डॉक्टरी का काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। मैं इनकी जाँच कर रहा हूँ, और जाँच में जो भी कमियाँ मुझे मिल रही हैं मैं इनको लिख रहा हूँ सारी कमियाँ, और इनकी दुकान को आज बंद कराएँगे, उनके लाइसेंस को सस्पेंड कराएँगे, और जो भी कानून के तहत रूल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी इनके खिलाफ। थैंक यू।